मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। आलिया और रणबीर के रिश्तों पर पूजा भट्ट ने दिया शॉकिंग बयान। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आजकल अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल बातों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इसी बीच आलिया की बहन पूजा भट्ट से पूछा गया कि वो अपनी बहन आलिया और रणबीर के रिश्ते को लेकर कुछ कहना चाहेंगी। इस पर पूजा भट्ट ने कहा, आलिया अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई भी फैसला ले सकती है, ये उसका अधिकार है। हम उसके बारे में तय करने वाले कोई नहीं है। हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि आलिया खुश और सुरक्षित रहे। हम लोग एक दूसरे की लाइफ में कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करते। पूजा ने आलिया की फिल्मों की भी बहुत तारीफ की। बॉडी शेमिंग का सामना कर रही है नरगिस फाखरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी को कई बार बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा है। नरगिस का कहना है कि बतौर पब्लिक फिगर जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। अब नरगिस ने एक इंस्टा पोस्ट में फैट से फिट होने की जर्नी शेयर की है। नरगिस ने दो तस्वीरों का कोला शेयर किया है, एक में उनका वजन बढ़ा नजर आ रहा है, दूसरी फोटो में वो स्लिम दिख रही है। फोटो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, पब्लिक लाइफ जीना मुश्किल होता है, ये एक आशीर्वाद है, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। पिछले दो सालों से मेरा वजन बढ़ गया था। बाईं फोटो में मेरा वजन 178 IBS है और दाईं फोटो में मैं 129 IBS की हूँ। नरगिस फाखरी ने लिखा, लाइफस्टाइल में बदलाव होने की वजह से मैंने 20 IBS यानी 9 किलो वजन घटाया है। यदि मुझसे ये हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। अपने मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक विचारों से भरें। मैं अपने दोबारा से बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी में आपको भी शामिल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ इस जर्नी में आप भी मुझे ज्वाइन करें। रणबीर कपूर संग ऋषि नीतू कपूर की सेल्फी। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर इन दिनों न्यूयॉर्क में मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऋषि कपूर संग उनकी पत्नी नीतू कपूर, रणबीर कपूर पिता ऋषि कपूर से मिलने न्यूयॉर्क जाते रहते हैं। इंस्टा पर नीतू पति ऋषि संग फोटो पोस्ट करती रहती हैं। नीतू कपूर ने ऋषि और रणबीर कपूर संग इंस्टा पर एक सेल्फी फोटो शेयर की है, जिसमें तीनों स्माइल करते दिख रहे हैं। कैप्शन में नीतू कपूर ने लिखा, कठिन परिस्थिति में भी आप शानदार महसूस करते हो, अगर पॉजिटिविटी, खुशियाँ, प्यार और वो विंक हो तो। नीतू कपूर के इस पोस्ट पर आलिया भट्ट और सोनी राजदान ने दिल वाला इमोजी बनाया है। 24 साल पहले किया था बॉलीवुड डेब्यू, अब गूगल इंडिया की हेड है मयूरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मयूरी कांगो ने हिंदी सिनेमा की चुनिंदा फिल्मों में काम किया। फ्लॉप होने की वजह से 24 साल पहले बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मयूरी कांगो ने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी। मयूरी ने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन मयूरी की इंडस्ट्री में एंट्री भी काफी दिलचस्प है। मयूरी को फिल्मों में काम करने का मौका 12वीं क्लास में मिल गया था। मयूरी को डायरेक्टर सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म नसीम में काम करने का पहला मौका मिला। ये फिल्म 1995 में आई थी। इसमें महेश भट्ट को मयूरी का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म पापा कहते हैं में मयूरी को एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया। इसके बाद फिल्म होगी प्यार की जीत से वो काफी पॉपुलर भी हुई। मयूरी ने फिल्म बेताबी, होगी प्यार की जीत, बादल जैसी कई फिल्मों में काम किया। बाद में तो मयूरी ने एक्टिंग करियर ही छोड़ दिया। मयूरी ने इंडस्ट्री से अलविदा लेने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से MBA की डिग्री हासिल की। अमेरिका में MBA के बाद उन्होंने कुछ साल वहीं नौकरी भी की, लेकिन 2013 में वो दोबारा भारत लौटी और अब वो यहीं जॉब करती हैं। सिंपल लुक में जिम के बाद सपोर्ट हुई जानवी कपूर। हाल ही में फिर एक बार जानवी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जानवी को जिम के बाहर स्पॉट किया गया, वहीं की उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में जानवी व्हाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक में नजर आई, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ड्रेस के साथ जानवी ने लॉन्ग इयररिंग भी पहने हैं। लूज हेयर जानवी के लुक को कंप्लीट कर रहे हैं। उनका लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका के मेहंदी फंक्शन की अनसीन तस्वीरें। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की शादी इस साल 9 मार्च को श्लोका मेहता से हुई थी। डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने श्लोका मेहता के मेहंदी सेरेमनी की अनसीन तस्वीर शेयर की है। मेहंदी फंक्शन की अनसीन फोटो में श्लोका ने मल्टी कलर का लहंगा पहना था, जिसमें पेस्टल कलर की हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। श्लोका ने मेहंदी लुक को डायमंड नेकलेस, बैंगल्स, ड्रॉप इयररिंग्स, मांगटीका, हेयर एक्सेसरीज से कंप्लीट किया। रेड कलर के लहंगे में श्लोका की खूबसूरती का जवाब नहीं। श्लोका के इस डिजाइनर लहंगे में हैंड एम्ब्रॉयडरी, चढ़ाऊ, जरदोजी, कटवर्क किया गया था। रेड कलर के लहंगे को श्लोका ने हैवी कुंदन और ग्रीन एम्ब्रॉयड ज्वेलरी, चोकर नेक पीस, रानी हार से टीम अप किया था। बता दें, आकाश अंबानी श्लोका मेहता की रॉयल वेडिंग में देश विदेश की बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इनमें बॉलीवुड, खेल, राजनीति, बिजनेस के तमाम नामी दिग्गजों ने शिरकत की थी। पूल किनारे अमीषा पटेल का बोल्ड फोटोशूट।
एक्ट्रेस अमीषा पटेल का लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने इंस्टा पर कई बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अमीषा पटेल स्विमिंग पूल के किनारे रेड मोनोकनी में फोटो पोज दे रही हैं। तस्वीरों में अमीषा का बोल्ड अंदाज देखने को मिलता है। अमीषा पटेल की ये तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल उनके लुक को हाईलाइट कर रहा है। अमीषा ने पोनीटेल बना रखी है। फोटो में अमीषा पटेल ने रेड कलर की लेदर जैकेट पहनी है। ब्राइट रेड जैकेट को अमीषा पटेल ने ब्लैक आउटफिट के साथ कैरी किया है। अमीषा की ये तस्वीर काफी स्टनिंग है। उन्होंने अपने इस ग्लैमरस लुक को एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया है। अमीषा अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस कम ही फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन वो अवार्ड नाइट्स, इवेंट्स और फैशन शोज में खूब दिखती हैं। फ्रंट कट ड्रेस में सोनाक्षी सिन्हा का दिखा हॉट लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी हॉट और सेक्सी तस्वीरों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं। फैंस उनके सेक्सी लुक के दीवाने हैं। दरअसल बीती रात सोनाक्षी ने अपनी आने वाली फिल्म की रैप अप पार्टी रखी, जहां सोनाक्षी के कई फ्रेंड्स भी नजर आए। इस दौरान सोनाक्षी ने ब्लू कलर की फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही थी। सोनाक्षी ने मीडिया को मुस्कुराते हुए पोज भी दिए। फैंस को उनका हॉट लुक बेहद पसंद आ रहा है। उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तब्बू ने कहा, सिनेमा समाज की तस्वीर है, हम उनसे अलग नहीं। एक्ट्रेस तब्बू का कहना है कि सिनेमा हमेशा समाज की तस्वीर पेश करता है और ये उससे अलग नहीं है। उनकी आगामी फिल्म दे दे प्यार दे में लगभग 50 वर्षीय पुरुष और एक 26 वर्षीय लड़की के प्रेम संबंध को दिखाया गया है। हिंदी सिनेमा में पहले भी इस प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं, जिनमें से एक फिल्म चीनी कम में तब्बू खुद भी काम कर चुकी हैं। तब्बू ने कहा, अगर कुछ चीजें समाज में स्वीकार की जाती हैं तो मुझे लगता है कि फिल्में वही दिखाती हैं। मुझे लगता है कि बड़ी उम्र के पुरुष और कम आयु की महिला के प्रेम का कॉन्सेप्ट समाज में ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, तो इस प्रकार की ज्यादा फिल्में बनती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के तौर तरीके और हमारे जीने के तरीके सिनेमा में दिखते हैं, क्योंकि सिनेमा अलग से नहीं चल रहा है। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।